वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज़ द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की या रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ज्योमेट्री टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 to पार्ट 32 तक वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। ये है पार्ट 33, टोटल आपको 35 पार्ट बनने वाले हैं। इसके बाद आपका ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और मिलेगी, आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री फाइनल हो जाएगा। हमने हमेशा मैं ट्राई किया हूँ कि प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, ताकि आपसे कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं प्री प्लस मेंस, और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं ओनली फॉर 200 आरएस में। आपको कंप्लीट अर्थमेटिक एज वेल एज एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में भी आपको ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं प्री और मेंस लेवल तक। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कराया जा चुका है। ज्योमेट्री टॉपिक ऑन गोइंग है, 33 पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और बनने वाले हैं। इस तरह से आज आपको पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप इस कोर्स को पूरी तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ₹200 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर दिया इसके थ्रू पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको करना क्या होगा कि स्क्रीन शॉट आपको उस पे स्लिप की आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसमें उस लिंक में क्या होगा, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ की टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी प्री और मेंस लेवल की। सेकेंड आपको क्या है, हर एक टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, ताकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको, और डाउट ग्रुप भी बना हुआ है जहां पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ए लॉट ऑफ बेनिफिट आपको मिलने वाला है। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चलूँगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को, सॉरी टच नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको जरूरी है, ठीक है। इस सर्किल का सेंटर मान लो ये सर्किल C1, इसका नाम दे दिया C1, और इस सर्किल का नाम दे दिया C2। इस सर्किल का सेंटर क्या है, O, इस सर्किल का सेंटर क्या है, O डैश, ठीक है, यहाँ तक है। अब इन दोनों सर्किल को मैं इस दोनों सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। इस सर्किल का यहाँ से रेडियस क्या होगा, ये इस सर्किल का रेडियस मैं मानता हूँ R1, और इस सर्किल का यहाँ से रेडियस, ये भी रेडियस होगा, ये क्या होगा R2। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है, कंडीशन ये होना चाहिए कि ओ ए, देखो ये मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी दो सर्किल कट कर रहे हैं एक दूसरे को, कौन से पॉइंट पे, ए और बी पे। देखो ओ ए, जो ओ ए, ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन टेंजेंट किस पे है, टेंजेंट ऑन सर्किल किस पे, सर्किल सी टू पे है, ये कंडीशन गिवेन होना चाहिए। और ओ डैश ए, ओ डैश ए लाइन टेंजेंट है किस पे, सर्किल किस पे, C1 पे। देखो ओ डैश किस पे है, टेंजेंट है इस पे। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, आप क्या पढ़े हो कि कोई भी सर्किल है उस पे कोई टेंजेंट लाइन है और उसके सेंटर से पास करे तो ये रेडियस और इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान से, ये सर्किल का रेडियस है, यहाँ से इस पर टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट पे, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अगेन आपको बताया था, ये पूछा जाएगा कि ए बी का लेंथ क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा। तो आपको देखो, आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, आपको एक और प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि ये चीज़ देखो, अगर ये एक कोई कोर्ड है, यहाँ सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको दो हिस्सों में बांट देगा, यानी ये सेंटर है, ये क्या है, एक कोर्ड की तरह हो गया, इस पे हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर, तो इसको परपेंडिकुलर डाला तो ये भी ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये जैसे ही इस पे हमने डाला तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, तो आप खुद सोचो ए बी, टोटल ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, या तो 2AC लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, 2BC। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं प्रूफ करूंगा, ये होता है 2 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई
ओ डैश, यानी 2 × r1 × r2 डिवाइडेड बाई ओ ओ डैश। ये ए बी निकालने, ये वाला लेंथ ऑफ कॉमन, इसको बोलते हैं लेंथ, ये निकालना है, ए बी निकालना है, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये तो रहा आपको, ये तो रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करना है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करेंगे हम, आप खुद सोचो। देखो ये वाला इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है 90 डिग्री, मैं उठा लेता हूँ इस ट्रायंगल की। देखो मैं प्रूफ कैसे करूँगा, क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रूफ पे, मैं फार्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं प्रूफ पे ले रहा हूँ। देखो ये ए है, ये क्या है ओ है, ये ओ डैश है, ये आर वन है और ये आर टू है, और ये क्या है 90 डिग्री है। हमने क्या किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया एक, ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये क्या है पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है, हमने ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक और ये वाला। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर आप देखे होंगे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बताया था कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये ए बी और सी है, ये 90 डिग्री, यहाँ से हमने कोई एक परपेंडिकुलर डी डाल दिया, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डी डाल दिया, तो हमने बी डी की लेंथ निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था कि ए बी इंटू क्या बी सी डिवाइडेड बाई क्या हाइपोटेनस ए सी, या आपको इस तरह से बताया था मेरे को, आपको अगर फिर से कि ये परपेंडिक, ये पी है और ये बी है और ये हाइपोटेनस एच है, तो आपसे बी डी निकालना हो तो क्या निकाल, क्या कहते थे पी इंटू बी बाई क्या करते थे एच। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पर, ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, तो आप सोचो कि ए सी निकालना है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, खुद सोचो, ये वाला आर वन आर टू, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनस हो गया ओ ओ डैश, ओ ओ डैश ए सी निकल गया। अगर ए सी निकल गया तो आपको पता है ना, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ए बी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ए बी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा 2AC, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × ए सी की, ए सी गिवन है ये वाला, तो क्या हो जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई ओ ओ डैश। तो देखो मिल गया ना हमें, फाइंड आउट कर लिया हमने कि ये हो जाएगा। तो ये तो रहा केस वन, ये केस हो तब एक और रिजल्ट। अब बात आती है इसकी, ये कॉन्सेप्ट नंबर टू। कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या कर रहा है कि दो कोई सर्किल है, देखो मैं सर्किल भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दो कोई सर्किल है, एक सर्किल ये है, दूसरा सेम रेडियस का सर्किल, ये वन मिनट, बड़ा छोटा हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। इस सर्किल का सेंटर मान लो ये है, दूसरा सर्किल ठीक है, दो सर्किल है C1 एंड C2, दोनों का रेडियस, रेडियस और इसका भी। देखो अब इसमें खूबी क्या है, देखो ध्यान से इसमें खूबी क्या है वो चीज मैं बताता हूं। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ये C1 सर्किल है ना, इसका सेंटर क्या है पहले वाले, ये वाले सर्किल का, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। C1 सर्किल C2 सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, और C2 सर्किल C1 सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, ये कंडीशन दिया गया है। C1 सर्किल का सेंटर O है और इसका O डैश है। देखो ये C1 सर्किल C2 सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है ना, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो यहां से कट कहां पे कर रहा था, A और B पे कट कर रहा है। तो इस केस में AB का लेंथ क्या होगा, ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इरेज कर लूं, थोड़ा सा अच्छे से समझा सकूं। देखो फिर से एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो ध्यान से कि दो सर्किल हैं, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर ये है, तो दूसरा सर्किल इसके सेंटर से पास कर रहा है, दो सर्किल बना दिए। मान लेते हैं ये C1 सर्किल है और ये C2 सर्किल है, इस पहले वाले सर्किल का, इस सर्किल का जो सेंटर है ये, वो दूसरा सर्किल पास कर रहा है, दूसरे सर्किल के, ये वाले सर्किल का सेंटर ये है, इससे पहला वाला सर्किल पास कर रहा है, और कट कहाँ पे कर रहे हैं, ए और बी पे। तो ये वाला हमें लेंथ निकालना है, ये सेंटर ओ है, ये ओ डैश है, तो ये वाला अगर जैसे ही, देखो ध्यान से मिला दिया,
हमें चाहिए ये रिजल्ट्स क्या होता है कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट करें ए और बी पे, और एक के सेंटर से दूसरा सर्किल पास करें और दूसरे वाले के सेंटर से पहला सर्किल पास करें, तो ये ए बी का लेंथ क्या होगा? तो ए बी का लेंथ क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू टू ए सी। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी सर्किल के सेंटर से इस पर डालोगे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो टू ए सी, टू ए सी, क्योंकि हम पढ़ चुके थे ना क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी जीवा है सेंटर से अगर जीव इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या दो इक्वल भागों में बांटता है। तो ए बी इज इक्वल टू टू ए सी हो गया। और ये रिजल्ट याद रख लेना क्या होता है, रूट थ्री आर। कब? ये इच सर्किल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अदर्स, मतलब एक सर्किल दूसरे सर्किल के सेंटर से पास करे। एंड कंडीशन, रेडियस ऑफ इच सर्किल क्या होना चाहिए, दोनों सर्किल का रेडियस सेम होना चाहिए। तो अब खुद देखो, अब देखो ये सर्किल है पहला सर्किल, ये सेंटर से सर्कमफेरेंस रेडियस क्या हो गया आर, ये सेंटर से सर्कमफेरेंस पे रेडियस क्या हो गया आर, क्योंकि तीनों सर्किल का रेडियस आर। आपको देखो ये पता चल गया, मैं इसको निकाल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो देखो ये रेडियस तीनों क्या हो गया आर आर आर। तो ये वाला हाइट, ये यहाँ तक पता चल रहा है ना ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दो इक्वल भागों में बांट रहा था। तो ये वाला हाइट क्या होगा? अब जैसे ही आप हर एक साइड, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी डी है, ये क्या बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ही ये कैसे आया मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये हाइट क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू क्या होता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड, साइड क्या है रेडियस आर, यानी एच क्या है एच, यहाँ केस में ये हाइट क्या हो जाएगा ए सी, अगर ये पॉइंट सी है तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया रूट थ्री बाई टू आर। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है ए बी, तो ए बी क्या होगा क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ए बी इज इक्वल टू टू ए सी, टू ए सी, तो टू इंटू ए सी कितना है रूट थ्री बाई टू इंटू आर। तो ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया रूट थ्री आर। तो ये आपको प्रूफ भी जानना जरूरी था, आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह केंद्रीय वृत्त। देखो नाम से ही पता चल रहा है सह केंद्रीय, मतलब कि क्या है? दोनों का केंद्र, दोनों का सेंटर, दोनों सर्किल का सेंटर क्या होना चाहिए समान। जैसे मान लो ये एक सर्किल है दूसरा सर्किल ये है, दोनों का सेंटर क्या है कॉन्सेंट्रिक, मतलब कि एक ही सेंटर दोनों का है, ठीक है। और मान लो यहां से बड़े वाले सर्किल से एक हमने एक कोड ड्रॉ किया जिसका नाम दे दिया ए बी, जो बड़े वाले सर्किल का कोड है, और जो टच कर रहा है छोटे वाले सर्किल को एट पॉइंट सी पे, तो छोटे वाले सर्किल का रेडियस R2, बड़े वाले सर्किल का रेडियस, देखो यहां से सर्कमफेरेंस बड़े वाले सर्किल का रेडियस R1। तो आपको AB, अब ये वाला लिखना है AB, AB इज इक्वल टू, आप खुद सोचो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेंटर से जीवा परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको दो भागों में बांट देगा, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC, 2AC। अब रिजल्ट ये होता है कि 2 अंडर रूट, यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है। देखो अब ये ट्रेंगल हम निकाल लेते हैं, ये ट्रेंगल देखो कैसे रिजल्ट आता है, ये 2R1 इज टू R2, देखो हमने ट्रेंगल निकाल लिया, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है 90 डिग्री। तो आपको ये वाला लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू देखो AC, जो AC होगा ये A है और ये C है, तो 2 तो 2 लिख दिया, देखो यहाँ से अगर फिर भी किसी को दिक्कत है ध्यान से देखो कैसे आया है वो मैं बोल रहा हूँ, 2 है तो 2 लिख दिया, AC, AC अभी हमारा आ गया क्या अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, देखो दो सर्किल है, एक सर्किल दूसरा सर्किल बड़ा वाला सर्किल कॉन्सेंट्रिक है, ये R2 है ये R1 है ये C पॉइंट है, अगर जैसे ही इस पे टेंजेंट पे टच करेगा तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, और 90 डिग्री भी बनेगा क्योंकि टेंजेंट है। आपको ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि कोई भी टेंजेंट लाइन है सेंटर से पास कराओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो आपको ए बी, ये ए बी लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू ए सी इज इक्वल टू टू अंडर रूट ये वाला आर वन स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने इसका प्रूफ भी दिखा दिया, ठीक है, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सी एच एस एल में आ जाते हैं, सी जी एल प्री में भी पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टू सर्किल
दो सर्किल, अगर हिंदी बात करें तो दो सर्किल, दो वृत्त कब एक दूसरे को बाहर बाह्य टच करेंगे, बाह्य टच करेंगे, कब अंतः टच करेंगे, कब एक दूसरे को काटेंगे यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, और कब एक दूसरे को ना तो टच करेंगे ना ही काटेंगे, तो अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे देखो मैं दो सर्किल ले रहा हूँ, एक सर्किल है दूसरा सर्किल है, दो सर्किल एक दूसरे को कब बाहरी टच कर रहे हैं, देखो ये एक्सटर्नल टच है ना, कब करेंगे, मान लेते हैं इसका, इस सर्किल का सेंटर O है और इस सर्किल का सेंटर O डैश है, इस सर्किल का रेडियस R1 है और इस सर्किल का रेडियस R2 है, जब दो सर्किल बाहर टच करेंगे, बाह्य टच करेंगे, जिसको हिंदी में बोलें, देखो बाह्य टच टू सर्किल, अगर दो सर्किल बाह्य टच करें तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला लेंथ ओ ओ डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर वन प्लस आर टू, अगर ये हो रहा है तो दो सर्किल क्या करेंगे, बाह्य टच करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दो सर्किल है, एक का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस ओ ओ डैश, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस ओ ओ डैश क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो आप जैसे ही चेक करोगे कि ओ ओ डैश आर वन प्लस आर टू इक्वल आ रहा है, देखो ओ ओ डैश कितना है 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, जैसे ही ये इक्वल कंडीशन आया डेट मीन्स दोनों सर्किल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाह्य टच करेंगे, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब दो सर्किल एक दूसरे को अंतः टच कब करेंगे, जैसे देखो एक सर्किल है दूसरा सर्किल इसी के अंदर, अंतः टच मतलब अंदर टच कर रहा है, अब देखो बड़ा वाला सर्किल है ना, बड़ा वाला सर्किल का सेंटर यहां पे रख दो तो इसका रेडियस, बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या हो गया यहां से यहां आर वन, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ये, तो रेडियस इसका कितना हो गया आर टू, ठीक है, और इसका क्या हो गया ओ डैश और ओ, इस केस में कंडीशन क्या होता है, ओ ओ डैश इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो दो सर्किल क्या होंगे, अंदर टच करेंगे, इंटरनली टच यानी अंतः टच करेंगे, अंतः स्पर्श करेंगे, ठीक है, अंतः स्पर्श करेंगे दो सर्किल। जैसे कंडीशन मान लो मैं ले लेता हूं आर वन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर टू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटर, दोनों सर्किल के सेंटर ओ ओ डैश, ओ ओ डैश यानी दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 4, तो जैसे ही देखोगे कि ओ ओ डैश इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू आ रहा है, जैसे 7 माइनस 3 यानी 7 माइनस 3 4 के बराबर आ रहा है, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश ऑलरेडी ओ ओ डैश 4 है, डैट मीन्स दो सर्किल क्या करेंगे, अंतः टच करेंगे, तो ये अंतः टच करने की वो है। अब नेक्स्ट आता है कि दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगे, देखो दो सर्किल एक दूसरे को कब काटेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो कैसे कैसे, देखो ध्यान से, दो सर्किल, एक सर्किल हमने बना लिया जिसका सेंटर क्या है ओ, दूसरा सर्किल हमने बना लिया जिसका सेंटर क्या है ओ डैश, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस सर्किल का रेडियस कितना है आर वन, इस सर्किल का रेडियस कितना है यहां से ये वाला पॉइंट आर टू, तो जब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, आर वन माइनस आर टू से क्या होना चाहिए ओ ओ डैश, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, और आर वन प्लस आर टू से छोटा होना चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दो सर्किल, टू सर्किल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी दो सर्किल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन था कि अगर दो सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस आर वन और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस सर्किल का रेडियस आर टू, तो आर वन माइनस आर टू रेडियस का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ओ ओ डैश इज इक्वल आर वन माइनस आर टू, डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए सेंटर का डिस्टेंस और सम से छोटा होना चाहिए, तब वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कंडीशन हो गया, आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दो सर्किल हैं, मान लो ये सर्किल है दूसरा सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर O रेडियस R1, इस सर्किल का सेंटर O डैश और रेडियस R2, कब ये दूसरे को ना ही नॉट टच ना तो कभी टच करेंगे, ना तो एक दूसरे को छुएंगे, नॉट इंटरसेक्ट, ना तो नहीं कभी स्पर्श, नहीं स्पर्श करेंगे, ना तो स्पर्श करेंगे ना ही टच करेंगे, ना तो नहीं कट करेंगे, मतलब कट नहीं करेंगे, उस वो कब होगा, जब R1 प्लस R2 दोनों रेडियस का सम OO डैश दोनों के सेंटर से
छोटा हो, या बोल सकते हैं दोनों का रेडियस का सम सेंटर का सम इससे क्या हो, बड़ा हो रेडियस के सम से, तो वो सर्किल कभी भी ना तो टच करेंगे, ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, ना ही की। जैसे एक 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 क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे, देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो सर्किल हैं, फर्स्ट सर्किल सेकेंड सर्किल, पहले वाले सर्किल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस क्या दी है, 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस ओ है, ये ओ डैश है, ओ ओ डैश के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको, 9। तो आपसे बोला जाएगा कि क्या ये सर्किल, कंडीशन कहेगा क्या ये एक्सटर्नल टच करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या इंटरनल टच करेंगे, या इंटरसेक्ट करेंगे, या नो टच नो इंटरसेक्ट, ठीक है, यानी कि बाह्य टच करेंगे या एक्सटर्नल मतलब अंतः टच करेंगे, या आपको कट करेंगे, या ना तो टच करेंगे ना ही कट करेंगे। तो कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखो, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5, डैट मीन्स 7 हो गया। और ओ ओ डैश हमेशा बड़ा है किससे, R1 प्लस R2 से, क्योंकि 9 ओ ओ डैश है और क्या है, 7 से बड़ा है। डैट मीन्स ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करता है, जब नॉट टच, देखो अभी आया था ना, नो नॉट टच, ना ही टच करेंगे, ना ही नॉर इंटरसेक्ट। तो ये कंडीशन अगर बोला जाए, ये दे दिया जाए आपसे, बोला जाए कि ये कौन सा कंडीशन होगा, तो कहा जाएगा कि दो सर्किल ना तो वो सर्किल कभी टच करेंगे, ना ही एक दूसरे को कभी काटेंगे, यानी वो सर्किल अलग अलग होंगे। तो ये भी चीज़ें पूछी गई हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अब आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीधी उभयनिष्ठ रेखा, स्पर्श रेखा। जैसे देखो दो सर्किल है, मान लो एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल हमारे पास ये है, ठीक है, दोनों सर्किल है। कहा जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ रेखा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है कि इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब ये डायरेक्ट टेंजेंट, मान लो ये A है B है, तो इस इधर से भी बना सकते हो ना डायरेक्ट टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा C और D, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट है। तो याद रखना कि जो लेंथ इसका होगा वो लेंथ इसका बराबर होगा, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या, CD। और फार्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, ये वाला लेंथ OO' का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है R1, और ये R2 है ना, R1 माइनस R2 का डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये आप रिजल्ट याद रख लो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ठीक है। इसके अपोजिट भी आ जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा। जैसे तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा का मतलब क्या है कि एक सर्किल है, दूसरा एक और सर्किल है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर क्या है, O डैश है, हमने इस सेंटर को मिला दिया, इसकी रेडियस कितनी है, R1 है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है। अगर देखो, मैं आपको चारों लाइन से मिला रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे टच कर रहे हैं ऐसे, तो ये मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो ये जो टच कर रहे हैं इस तरह से, मैं हरा कलर डिनोट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कट दिख जाए, ये जो दो लाइन टच कर रहे हैं ये कहलाते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, AB इज इक्वल टू, इस केस में भी ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ समाप्त हो सेम होता है, इज इक्वल टू उसके अपोजिट जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, OO डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसके अपोजिट। सिर्फ जैसे देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ये दो सर्किल हैं, इसका क्या सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है, ये दोनों ये हैं, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। डायरेक्ट अगर टेंजेंट की बात करें, डायरेक्ट टेंजेंट में क्या था, ये वाला डायरेक्ट टेंजेंट, ये वाला ये डायरेक्ट टेंजेंट। तो AB हो और ये क्या हो, C और D हो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, AB इज इक्वल टू CD, ये डायरेक्ट टेंजेंट होता है, डायरेक्ट टेंजेंट। ये क्या होता है, अंडर रूट, वही चीज़, OO डैश का होल स्क्वायर माइनस
आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। लेकिन इनडायरेक्ट मतलब ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन टच करता है ट्रांसवर्स में, और ये क्या होता है, इसके फॉर्मूला यहाँ पे माइनस तो होता ही है, ये आर वन प्लस आर टू हो जाता है बस। अगर प्रूफ जानना है तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रूफ क्या कैसे करें। तो देखो अगर यहां तक क्लियर हो गया आपको बात, और अगर मैं बताऊं कि इसमें ही डायरेक्ट टेंजेंट है तो डायरेक्ट टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा हो जाएगा अप्लाई किए। अगर प्रूफ भी जानना है इसका तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, देखो हमने क्या किया, इसके ये जो सेंटर था ना, इस सेंटर के पर पैरलर लाइन हमें ड्रॉ कर दिया। देखो ये भी रेडियस आर टू ही होगा, ये भी रेडियस, ये आर वन होगा, ये क्या होगा आर टू, हमने क्या सॉरी इसके पैरलर, देखो मैंने क्या कह रहा हूँ, चलो अगर आपको समझ में आ जाए तो देखो यहाँ से रेडियस आर टू है, इस लाइन के पैरलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर, तो ये आर टू है तो उतना ही लेंथ ये भी आर टू हो जाएगा ना। तो अब इस केस में देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ऑलरेडी मैंने बताया कि इक्वल होता है ना, ये वाला, और देखो अब क्या हो जाएगा, खुद सोचो, आपको एक कंडीशन क्या बताया था, कोई भी ये है अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यही रेडियस होता है, तो देखो ये सेंटर से इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब देखो मैं इस ट्रेंगल की बात करूंगा, ये वाला ट्रेंगल लूंगा, देखो ध्यान से कौन सा वाला मैं ट्रेंगल ले रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। ये ए है, ए है, उसके बाद ये देखो बी है, और यहां से ये वाला मैं सीधा लाइन, ये आर वन प्लस आर टू है, आर वन प्लस आर टू, ठीक है, और ये क्या है, देखो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और ये लेंथ क्या है, ये सेंटर ओ था ना, ये ओ था, यहां से ऐसे बनेगा तो ओ ओ डैश ये वाला हो जाएगा, ओ ओ डैश ये वाला लेंथ, ओ ओ डैश, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लेंथ ये रहेगा वही लेंथ ये भी होगा ना। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन है, अगर ये लेंथ यहां से यहां तक है और वही लेंथ यहां से यहां सेम होगा, तो ये चीजें ओ ओ डैश। वैसे प्रूफ की नीड नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। बाकी देखो नॉर्मल यूज कर लो तो ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ ओ डैश का स्क्वायर, ओ ओ डैश का स्क्वायर माइनस ये क्या आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। ऐसे प्रूफ की जरूरत नहीं थी, यही चीज तो आया है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है, और इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कॉमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप कॉमेंट्स नहीं करते हो यार, अगर कॉमेंट्स नहीं करोगे ना तो वीडियो बनाने का कोई पर्पस ही नहीं बनता है, ठीक है। आपको जेन्युइन हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक डिसलाइक किया करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।